नमस्कार दोस्तों, लेबर लॉ एडवाइज़र चैनल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो सभी एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ हमसे पूछते हैं कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉई उसको विभिन्न एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अलग अलग एक्ट्स में क्या क्या प्रोविजन्स हैं, उसमें कितना बेनिफिट मिलता है डिपेंडेंट्स को एक एम्प्लॉय की डेथ के बाद, और वो बेनिफिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं। ये जानकारी न सिर्फ आपके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो भी व्यक्ति किसी भी कॉरपोरेट कंपनी फर्म में जॉब कर रहे हैं उनके लिए जान लेना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ उनके परिवार वालों को इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ दुर्घटना होती है, खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन यदि कुछ होता है तो उनके परिवार वाले यदि अवेयर होंगे तो वो इन सभी स्कीम्स का, गवर्नमेंट बेनिफिट्स का एक फ़ायदा ले पाएंगे और जो वो मुश्किल समय है उसे थोड़े आसानी से काट पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं चार स्कीम्स का, ESI, PF, लेबर वेलफेयर फंड और इनकम टैक्स। इनके अंतर्गत क्या क्या बेनिफिट होते हैं, उन्हें कैसे अवेल किया जाता है, क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है और कितना बेनिफिट हमें मिलता है, ये पूरा हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइज़र। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ESI, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, इसके बारे में हमने पहले काफ़ी सारे डिटेल्ड वीडियो बना रखे हैं। यदि आप ESI के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं तो आप हमारा ESI वाला ये वीडियो के अंत में जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। तो ESI के अंतर्गत डिपेंडेंट बेनिफिट कब मिलता है, पहला प्रश्न। ESI के अंतर्गत डिपेंडेंट बेनिफिट उस केस में मिलता है जब वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट या इंजरी के कारण एम्प्लॉय की डेथ हुई हो। सेकंड, क्या बेनिफिट मिलता है, यदि वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो उसके डिपेंडेंट्स को लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है, साथ ही साथ इसमें मेडिकल केयर और फ्यूनरल एक्सपेंसेस का भी प्रावधान है। किसी एम्प्लॉय की एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड इंजरी के कारण डेथ हो जाने पर उसकी विडो को, उसकी विडोड मदर को, उनके चिल्ड्रन को यानी बच्चों को ये पेंशन बेनिफिट, ये डिपेंडेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं। कितना मिलता है, तो इसके अंदर जो अलग अलग बेनिफिट है उनका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हम एनालिसिस करेंगे पेंशन का। डिपेंडेंट बेनिफिट की जो पेंशन रेट है वो इंश्योर्ड पर्सन की वेजेस का 90% तय की गई है। यानी मान लीजिए इंश्योर्ड पर्सन की वेज 10,000 है तो ओवरऑल पेंशन बेनिफिट 9,000 रुपए तक का होगा, यानी 90% ऑफ 10,000। अब ये अलग अलग प्रपोर्शन में डिवाइड होगा, जिसे विडो को, बच्चों को, पेरेंट्स को इत्यादि दिया जाएगा, उनका परसेंटेज कुछ इस प्रकार है। सबसे पहली बात करेंगे हम विडो पेंशन की। विडो पेंशन तय की जाती है 3/5 ऑफ पेंशन रेट। पेंशन रेट में आपको फिर से बता दूं, ये एम्प्लॉय की वेजेस का 90% होती है, तो उसका 3/5 जाता है विडो पेंशन के फंड में। उसके बाद टू ईच चिल्ड्रन, जो दो चिल्ड्रन तक होते हैं, 2/5 ऑफ द पेंशन उन्हें दी जाती है जब तक कि उनकी उम्र 25 तक नहीं हो जाती। यानी 25 वर्षों तक होने तक जो पेंशन की रेट तय की गई है उसके 2/5 पेंशन मिलती है दोनों बच्चों को। यदि अनमैरिड डॉटर है तो टिल डेट दे आर मैरिड उन्हें 2/5 पेंशन दी जाती है। मदर को, यानी जो IP है उनकी मदर को भी 2/5 ऑफ रेट पर यानी चिल्ड्रन के बराबर ही पेंशन दी जाती है। यदि सन या डॉटर डिपेंडेंट है होल्ली अपने पेरेंट पर, यानी जो IP है उसके ऊपर होल्ली डिपेंडेंट है और साथ ही साथ वे डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम तक, जब तक कि वो अदर सोर्सेस से इनकम नहीं करने लग जाते हैं या मैरिज नहीं कर लेते हैं, तब तक उन्हें पेंशन दी जाती रहेगी।
यदि डिसीज्ड जो पर्सन है वो किसी भी प्रकार की फैमिली यानी उनके वाइफ या बच्चे पीछे छोड़कर नहीं जाता है और उनके केवल पेरेंट्स ही अलाइव होते हैं, तो उन्हें 3/10 ऑफ द पेंशन दिया जाता है पेरेंट्स को या फिर पेटर्नल ग्रांट पेरेंट्स को। तो ये 6 अलग अलग स्लैब्स हैं, इनके आधार पर अलग अलग बाइफर्केशन डिसाइड होता है। लेकिन किसी भी केस में जो ओवरऑल सम है वो हमारी पेंशन रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी 90% ऑफ सैलरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि इन सभी का सम 90% सैलरी से ज़्यादा हो रहा है तो ठीक उसी प्रोपोर्शन में सारे पेंशन घटा दिए जाते हैं। अगली हम बात करेंगे फ्यूनरल एक्सपेंसेस की। ESI में कवर्ड IP की मृत्यु के बाद ESI डिपार्टमेंट उन्हें फ्यूनरल एक्सपेंसेस देता है, जिसकी करंट रेट 15,000 रुपये है। इसे 2018 में रिवाइज किया गया था, जिससे पूर्व ये 10,000 थी। अभी तक भी सर्कुलर की कमी के कारण, इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण कई ESI विभाग 10,000 फ्यूनरल बेनिफिट ही दे रहे हैं, जो गैरकानूनी है। तीसरा है मेडिकल केयर अंडर ESI फॉर विडोज। ESI की 161th मीटिंग जो 2014 में हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया था कि जो विडो डिपेंडेंट्स पेंशन बेनिफिट ले रही है उसे ESI की मेडिकल केयर भी दी जाएगी। उसे मात्र सालाना 121 रुपये का पेमेंट करना होगा और ESI के सभी मेडिकल बेनिफिट एक्सेप्ट सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट वो ले पाएंगी। अब आइए हम बात करते हैं कौन कौन से क्लेम फॉर्म्स या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको IP की डेथ के बाद काम आएंगे, जिन्हें आपको प्रेजेंट करना होगा पेंशन केस के लिए या फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए। तो सबसे पहले होता है फॉर्म 15, इसे पेंशन क्लेम फॉर्म कहा जाता है। सेकंड होगा फॉर्म 95D, इसे फ्यूनरल एक्सपेंसेस के लिए भरा जाता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट्स आपको चाहेंगी वो है एक्सीडेंट रिपोर्ट, जो ESI में आजकल ऑनलाइन भरी जाती है। नेक्स्ट विटनेस रिपोर्ट, अटेंडेंस डिटेल ऑफ एक्सपायर्ड एंड विटनेस्ड एम्प्लॉयज। फिफ्थ हॉस्पिटल बिल इफ एडमिटेड, FIR कॉपी, पुलिस इंक्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, ID प्रूफ ऑफ एक्सपायर्ड एम्प्लॉयज, बैंक डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन, क्योंकि उनकी जो पेंशन है वो 25 वर्षों तक दी जाएगी, जिसे सत्यापित करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट ऑफ विडो और 3 फोटोज ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो ये ओवरऑल सम अप करते हैं हम ESI का। अगले एक्ट के बात करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिससे आप हमारी डायरेक्ट अपडेट लेटेस्ट आप तक पहुंच जाएगी, ना सिर्फ वीडियोस की अपडेट, इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि भी हम उस पर शेयर करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप पर बिना किसी शुल्क के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर आप सर्च करिए लेबर लॉ एडवाइज़र। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के डिपेंडेंट बेनिफिट पे। तो कॉन्ट्रेरी टू कॉमन नॉलेज, PF का पेंशन बेनिफिट बहुत ही वाइड स्केल पे एप्लीकेबल है। यदि व्यक्ति किसी फर्म में काम कर रहा है और इवन एक दिन भी उसके ज्वाइनिंग को हो चुका है या एक महीने का कंट्रीब्यूशन भी फाइल हो चुका है, तो वो पेंशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि जॉब छोड़ने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए 58 वर्ष का होने से पहले पहले, तो भी वो पेंशन के अंतर्गत कवर्ड रहता है, यदि उसने अपने पेंशन अकाउंट का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिया है। यानी जब तक आपके पेंशन फंड में पैसा है और आपकी उम्र 58 से कम है, तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो किसी भी प्रकार के डेथ केस में। उसके बाद यदि आपकी 10 साल की सर्विसेज कंप्लीट हो जाती है, तो 58 के बाद आप ऑलरेडी पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, जिसका हमने वीडियो पेंशन बेनिफिट का, पेंशन के विड्रॉल इत्यादि का हमने अलग से बना रखा है। आप हमारे पेंशन का वीडियो देखकर रेगुलर पेंशन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। लेकिन डेथ के केस में, इन एनी केस, यदि आपकी डेथ हो जाती है तो आप पेंशन क्लेम के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड, टू हुम? तो ये जो पेंशन का बेनिफिट मिलता है वो विडो, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट फादर मदर को मिलता है। साथ ही साथ
यदि एम्प्लॉय की मृत्यु जॉब में रहते हुए हुई है, चाहे वो वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट के कारण हो चाहे आउटसाइड द वर्क हो, उसे EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड स्कीम इसका भी बेनिफिट मिलता है। यह बेनिफिट कवर 24/7 है और एक्सपायर नहीं होता किसी भी कारण से, तो ये बेनिफिट हमेशा कोई भी एम्प्लॉय अवेल कर सकता है यदि वो जॉब में कवर्ड है तो। अब बात करेंगे हम कितना बेनिफिट मिलता है। नंबर वन EDLI। EDLI का बेनिफिट एम्प्लॉय के वर्क में रहते हुए डेट ऑफ एग्जिट से पहले पहले डेथ हो जाने पर EDLI का बेनिफिट मिलता है, जो अप टू 6 लाख रुपीज़ तक होता है। इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन और इसकी डिटेल जानने के लिए आप हमारा EDLI वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे बाद में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। सेकंड हम बात करते हैं पेंशन की। पेंशन में हम सबसे पहले बात करेंगे मंथली विडो पेंशन। विडो पेंशन में दो केसेस हैं। सबसे पहले यदि 58 साल से पहले पहले PF में कवर्ड व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विडो पेंशन या तो एज पर रेट 10 साल की सर्विस यदि कैलकुलेट हो गई है तो उसके कैलकुलेशन के अनुसार बनेगी, अन्यथा पेंशनेबल सर्विस नहीं भी बनी है तो भी न्यूनतम 1,000 रुपये की पेंशन विडो को मिलती रहेगी। एक बार यदि पेंशन शुरू हो गई है 58 साल के होने के पश्चात और उसके बाद पेंशनर की मृत्यु होती है तो उसकी विडो को 50% जो भी पेंशन पेंशनर को मिल रही थी उसका 50% ताउम्र मिलता रहेगा। सेकंड मंथली चिल्ड्रन पेंशन। इस केस के अंतर्गत UN में कवर्ड व्यक्ति PF में कवर्ड व्यक्ति के 2 बच्चों को पेंशन मिलती रहेगी 25 वर्ष की उम्र तक। ये पेंशन 25% पेंशन होगी जो भी उनकी विडो यानी मदर को दी जा रही है, यानी न्यूनतम जो पेंशन 1,000 रुपये है उसके अनुसार कम से कम 250 रुपये की पेंशन दोनों बच्चों को इंडिविजुअली दी जाएगी उनके 25 वर्षों तक होने तक। और ये एल्डेस्ट टू यंगेस्ट की तरफ जाती है, यानी मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो एल्डेस्ट और सेकंड एल्डेस्ट को यह पेंशन पहले मिलेगी। जैसे ही एल्डेस्ट 25 की एज क्रॉस कर लेता है तो यंगेस्ट को ये पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, जब तक कि वो 25 ईयर्स की एज क्रॉस नहीं कर लेता। नंबर 3 मंथली ऑर्फन पेंशन। यदि UPF में कवर्ड व्यक्ति या महिला के स्पाउस नहीं है और केवल बच्चे हैं तो उन 2 बच्चों को पेंशनेबल रेट का 75% पेंशन मिलेगा, जो न्यूनतम 750 रुपये रखा गया है। ये पेंशन उनको 25 ईयर्स की उम्र तक मिलती रहेगी और ये भी एल्डेस्ट टू यंगेस्ट की तरफ जाएगी, यानी सबसे पहले एल्डेस्ट इसमें कवर्ड होंगे और जैसे ही उनकी उम्र 25 क्रॉस कर लेगी तो यंगेस्ट को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यदि डिसीज्ड पर्सन के बच्चे डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, तो उन्हें लाइफ टाइम पेंशन दी जाएगी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एज और अर्निंग स्टेटस। नंबर 5 नो नॉमिनेशन और फैमिली। यदि UN में PF में कवर्ड व्यक्ति की वाइफ या बच्चे नहीं रहते हैं उस केस में जो पेंशन होगी वो उनके पेरेंट्स को मिलेगी। यदि व्यक्ति ने अपनी पेंशनेबल सर्विस यानी 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली है तो उसकी पेंशन उनके पेरेंट्स को ताउम्र दी जाएगी। यदि पेंशनेबल सर्विस नहीं कंप्लीट हुई है तो पेरेंट्स को रिटर्न ऑफ कैपिटल यानी पेंशन फंड में जितना भी पैसा जमा हुआ है वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एज इट इज़ कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है वो अपना नॉमिनी भी पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान उस व्यक्ति की शादी हो जाने के पश्चात ये नॉमिनेशन नल एंड वॉइड कैंसिल कर दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसमें सबसे पहले चाहिएगा कंबाइंड डेथ क्लेम फॉर्म। पहले इसके लिए अलग अलग फॉर्म होते थे, फॉर्म 20, फॉर्म 10D, अब इसे हटाकर एक सिंगल क्लेम फॉर्म कर दिया गया है जो पेंशन के लिए, PF विड्रॉल के लिए और EDLI के लिए कंबाइंड होता है। इसे कंबाइंड डेथ क्लेम फॉर्म बोला जाता है। सेकंड डेथ सर्टिफिकेट, थर्ड आधार कार्ड ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन, फोर्थ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ वाइफ एंड चिल्ड्रन ताकि उनसे उनकी उम्र का पता चल सके। ये नगर निगम, स्कूल या फिर पंचायत से बने हुए हो सकते हैं। नंबर 5 सेपरेट बैंक अकाउंट डिटेल्स, प्रिफरेबली ऑफ SBI बैंक, क्योंकि अलग अलग स्टेट में कुछ कुछ बैंक ही नॉमिनेट किए गए हैं पेंशन डिसबर्समेंट के लिए, जिसमें SBI अमूमन सभी स्टेट्स में एप्लीकेबल है, तो बेहतर है SBI का अकाउंट सिंगल बैंक में
अलग अलग अकाउंट्स चाहिएगा, विडो का भी और बबच्चों का भी। इसके साथ 3 पासपोर्ट फोटोज ऑफ ईच वाइफ एंड चिल्ड्रन, और इसके अलावा जॉइंट पासपोर्ट फोटो जिसमें विडो और 2 बच्चे या 3 बच्चे जो भी हैं उनका एक जॉइंट पासपोर्ट फोटो की 3 कॉपी चाहिएगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं पीएफ की पेंशन शुरू करवाने के लिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, 2014 के नियम के बाद इसमें पेंशन में कुछ बदलाव किए गए हैं जिसके बारे में हमें पीएफ के कमिश्नर राम निवास बैरवा साहब ने भी कहा था। वो देखिए क्या कहते हैं कि 2014 के अमेंडमेंट्स के बाद पेंशनर्स के लिए क्या क्या मेजर चेंज हो गए हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी या जो अभी सर्विस में हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इन रीसेंट अमेंडमेंट्स को देखते हुए। 2014 के जो अमेंडमेंट आए थे उसमें जो मुख्य चीज़ें थी वो पेंशन कंट्रीब्यूशन की सीलिंग को बढ़ा करके 15,000 किया गया, 6,500 रुपये से बढ़ा करके। दूसरा ये है कि जो नए अपॉइंटी हैं, नए एम्प्लॉय लगते हैं कहीं पे भी और उनकी तनख्वाह 15,000 से ज़्यादा है जी, तो वो पीएफ का मेंबर तो बन जाएंगे लेकिन पेंशन के मेंबर नहीं बनेंगे। 2014 के तो ये मुख्य अमेंडमेंट हैं। उसके बाद में जो संशोधन किए गए हैं वो ये हैं, वो हालांकि मेंबर्स के लिए एक चेतावनी भी है और दूसरा ये भी है कि वो उनके नुकसानदायक भी हैं। वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी मेंबर का 36 महीने तक लगातार अंशदान नहीं जाता पेंशन योजना में तो उसके पेंशन के लाभ सीज हो जाएंगे। अच्छा। और वो सिर्फ विड्रॉल बेनिफिट के एंटाइटल होंगे। मेरा यही सलाह है कि कोई भी व्यक्ति जो पेंशन का मेंबर है जिनकी 10 साल या काम कितना भी अवधि रहा हो लेकिन पेंशन लेने की सीमा में नहीं पहुंचा है, 50 साल या 58 साल का नहीं हुआ है, तो उनको कहीं पे सर्विस करते हुए अपना पेंशन पीएफ और पेंशन का अंशदान जरूर दें ताकि उसकी रेगुलरिटी बनी रहे और वो लैप्स नहीं हो उसके बेनिफिट। तो इसके पश्चात बैरवा साहब से मैंने बात करके पता किया तो उन्होंने ये कहा है कि इस नियम के बदलाव के बाद यदि आपकी 3 साल की डिसकंटिन्यूशन हो जाती है सर्विस में, यानी 3 साल तक अकाउंट इनऑपरेटिव रहता है, तो आप पेंशन बेनिफिट खो दोगे और आपको पेंशन बेनिफिट की जगह केवल विड्रॉल बेनिफिट ही मिलेगा। इस बात का पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए और अधिकांश लोगों को इसका नॉलेज ना होने के कारण पीएफ डिपार्टमेंट इसे कंटिन्यू रख रहा है, जबकि एक तरीके से ये वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ धोखा है, अत्याचार है। अगले एक्ट की बात करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिससे आप हमारी डायरेक्ट अपडेट लेटेस्ट आप तक पहुंच जाएगी, ना सिर्फ वीडियोस की अपडेट इसके अलावा कई सारे डॉक्यूमेंट्स इत्यादि भी हम उस पर शेयर करते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम ऐप पर बिना किसी शुल्क के हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उस पर आप सर्च करिए लेबर लॉ एडवाइज़र। अब आइए हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर फंड की। तो जो लेबर वेलफेयर फंड या लेबर वेलफेयर एक्ट है ये 34 में से 15 स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है। वो 15 स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल। इन 15 जगह ही लेबर वेलफेयर फंड लगता है। इसमें चूंकि यह एक स्टेट एक्ट है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग नियम होते हैं और अलग अलग बेनिफिट दिए जाते हैं डिपेंडेंट्स को लेबर वेलफेयर फंड में कवर्ड व्यक्ति की डेथ के बाद। तो हम आपको एक एग्जांपल के लिए हरियाणा का एग्जांपल देते हैं। तो हरियाणा में किसी भी कर्मचारी की जो लेबर वेलफेयर फंड में कवर्ड है उसकी मृत्यु हो जाने के बाद विधवा या आश्रित को 2,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसकी पात्रता के लिए निम्न शर्तें हैं, विधवा को पति की मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर अपना डेथ सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद डेथ प्रमाण पत्र साइट पर अपलोड करेगा। थर्ड, एम्प्लॉयर ही उस कर्मचारी का ये सर्टिफिकेट अपलोड करेगा कि वो पहले से इस योजना से कोई ऑलरेडी बेनिफिट नहीं ले रहा है और कानूनी रूप से सभी कार्य उचित हैं और वह बेनिफिट लेने योग्य है। उसके बाद विधवा या आश्रित को
अपना वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा साइट पर, और इसमें जो कर्मचारी है उसकी न्यूनतम 6 माह की सर्विस हो जानी चाहिए, उसके बाद वो इस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है। ठीक इसी तरीके से जिस तरह से ESI में फ्यूनरल बेनिफिट होता था, ठीक उसी तरीके से लेबर वेलफेयर फंड हरियाणा में भी फ्यूनरल बेनिफिट दिया जाता है। उसकी जो शुल्क या जो राशि है वो 15,000 रुपये है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक कंडीशन है कि कर्मचारी का मासिक वेतन 25,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो ये लेबर वेलफेयर फंड की बात हुई। अब आइए आखिर में जाते जाते हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न की, यानी यदि आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो जैसा कि हम आपको इस वेबसाइट पर दिखा रहे हैं, ये jagranjosh.com की वेबसाइट है, जिसमें GK सेक्शन में एक बड़ा सा आर्टिकल दिया है जिसमें कहा गया है कि बेनिफिट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न रोड एक्सीडेंट के केस में, यदि आपका रोड एक्सीडेंट होता है तो आपको अपनी जो भी 3 ईयर की इनकम है एवरेज इनकम का 3 गुना सरकार देगी। ठीक इसी तरीके से व्हाट्सएप पर भी कई मैसेज आए हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर मैसेज, शायद आपने भी ऐसे मैसेज ज़रूर देखे होंगे जिसमें ये कहा गया है कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न का 10 गुना बेनिफिट आपको सरकार देगी यदि आपका रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। तो इसमें उदाहरण ये दिया गया है कि मान लीजिए आपकी लास्ट 3 ईयर की तनख्वाह इनकम टैक्स के अनुसार, लास्ट 3 ईयर की इनकम इनकम टैक्स के अनुसार 4 लाख, 5 लाख और 6 लाख है, तो उसका एवरेज जो कि 5 लाख बनता है उसका 10 गुना यानी 50 लाख आपको गवर्नमेंट देगी। और ज़्यादातर लोग नॉलेज ना होने के कारण इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, और ये जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट के 166 आर्टिकल के अंतर्गत ऐसा कवर्ड है। तो ये दोस्तों, ये बात पूरी तरीके से झूठ है, फेक है, और ज़्यादातर ऐसे जो फेक मैसेज या न्यूज़ आते हैं उसमें कम से कम कोई सोर्स नहीं दिया हुआ होता कि ये बेनिफिट किस आर्टिकल, किस एक्ट के अंतर्गत दिया जा रहा है। एटलीस्ट इसमें सोर्स है तो इसमें बड़ी आसानी से चेक किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें अक्सर एक सुप्रीम कोर्ट के केस का भी मेंशन किया जाता है, तो उससे ये प्रूव होता है। आप चाहे वो एक्ट देख लें जिसमें एक्ट में कहीं भी गवर्नमेंट के द्वारा एक्सीडेंट के कंपनसेशन की बात नहीं कही गई है, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट जिसमें इसमें मेंशन किया गया है उसमें केवल थोड़ा सा बेनिफिट, वो भी नॉट सरकार ने नहीं, जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ उसने एक्सीडेंट में मृतक व्यक्ति के परिवार को वहाँ से कुछ बेनिफिट, कुछ क्लेम, कुछ मनी दिया गया जो सरकार ने बिल्कुल ही नहीं दिया, और वो पर्टिकुलर उस केस की ही बात थी। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का, जो हम लोग अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे वादे किए जाते हैं या झूठे मैसेज सर्कुलेट किए जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न करने का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली अक्सर इंश्योरेंस का क्लेम लेने के लिए, यदि जो आपने लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस की कर रखी है, उसका बेनिफिट लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर ITR फाइल करते रहें। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज का सवाल 51 रुपये की पेटीएम कैश के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। EDLI एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक स्कीम के अंतर्गत मैक्सिमम कितने लाख रुपए का बेनिफिट एक एम्प्लॉय के परिवार को दिया जा सकता है? आपके ऑप्शन ये रहे, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख। सही जवाब देने वाले किसी एक लकी विनर को मिलेगा 51 रुपये का पेटीएम कैश, जिसका अनाउंसमेंट हम हमारे लाइव वीडियो में या फिर हमारी कम्युनिटी टैब में करेंगे। लेबर लॉ एडवाइजर चैनल को देखते रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जागरूक रहिए। जय हिंद।